विदिशा जिले के पठारी के अंतर्गत आने वाले ग्राम छपारा से भव्य कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो ग्राम के श्री राम जानकी मंदिर, हनुमान मंदिर, भैरव मंदिर होते हुए गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर पठारी करेली धाम पहुंची। कलश यात्रा में सैकड़ों वाहन, हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे शामिल थे। भव्य शोभा यात्रा में महिला मंगल गान करते हुए चल रही थी, साथ ही युवा डीजे पर थिरक रहे थे, तो वहीं श्रद्धालु परंपरागत राम धुन भजन कीर्तन करते चल रहे थे। युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी भी की। गौर करने वाली बात यह है कि यज्ञ उस स्थान पर हो रहा है जहां कोरोना काल में चमत्कारिक पीपल का पेड़ अपने आप खड़ा हो गया था, जिसके दर्शन करने पूरे प्रदेश सहित अन्य राज्यों से लोग आए थे। तब उस स्थान पर कुछ भी नहीं था। आज एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। भगवान भोलेनाथ की पूरे परिवार सहित प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस स्थान पर जो भी श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाएं बांधी थी, उन सबको आमंत्रित किया गया है। यह यज्ञ 7 दिवसीय है। ग्राम के सरपंच ठाकुर गोविंद सिंह ने कहा कि सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस यज्ञ में शामिल होकर धर्म लाभ लेवे। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। चमत्कारी माता मंदिर धाम छपारा के पंडा मिस्टर सिंह गुर्जर इस कलश यात्रा में भी शामिल है। तो आपका क्या कहना है, जब जिस दौरान हमारा पीपल खड़ा हुआ था और जगह जगह से कोरोना में भी जनता आई थी जी, आई थी, और सबने लगभग अपने धागा बांधे थे जी, बांधे थे, मान्यताएं मांगी थी, यदि सबकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, भगवान माता रानी ने, भगवान भोलेनाथ ने, पीपल देवता ने यदि पूरे कर दिए हैं, कर दें, तो आप उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं जी, कहिए, आप बुलाइए सभी लोग। हमारे यहाँ जो भी पीपल के पेड़ के आए थे, सबकी मनोकामना पूरी हुई, वो सब लोग हमारे यहाँ आमंत्रण इस यज्ञ में। इस यज्ञ में यज्ञ कितने दिन चलेगा? यज्ञ 7 दिन चलेगा। आज से 7 दिन सभी ग्रामवासी निमंत्रण है। धन्यवाद। कलश यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? हमारे ग्राम पंचायत छपारा में चमत्कारी माता मंदिर, आपने सुना होगा कि बहुत पहले पीपल का पेड़ अपने आप खड़ा हुआ था। उस चमत्कारी दिव्य स्थान पर जनता के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और भगवान भोलेनाथ की परिवार से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और शब्द दिवसीय महायज्ञ हमारे ग्राम छपारा में हो रहा है। आज यह भव्य कलश यात्रा छपारा से प्रारंभ होकर पठारी के मुख्य मार्गों से होती हुई करेली धाम आ पहुँची है और यहाँ से हम सब जल यात्रा कलश भर के सभी लोग बाजार के मुख्य मार्ग से होते हुए अपने ग्राम छपारा पहुँचेंगे, जहाँ पर आज ही हवन का कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे ग्राम पंचायत छपारा के सरपंच आदरणीय गोविंद सिंह जी, आदरणीय सरपंच साहब, बताइए कहाँ से प्रारंभ हुई है कलश यात्रा? कलश यात्रा छपारा लश्कर भोलेनाथ का मंदिर, विशाल भव्य मंदिर बना है। यहाँ खड़ा हो गया था, मेरा पेड़ 2-3 महीने बाद खड़ा हो गया था। यहाँ भव्य मंदिर बन के तैयार है। परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।